आज सही अर्थ में जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना, आज बना। हम हमेशा कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वाज इट रियली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? इस देश का संविधान वहां लागू नहीं हो पाएगा, एक भारत का नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद कर पाएगा। और हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में इन रियल सेंस ऑफ द टर्म जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया टुडे ओनली। जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन का बलिदान दिया है। हजारों पॉलिटिशियन में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लीडर खो दिए हैं, अपने वर्कर्स खो दिए हैं। हजारों बल्कि लाखों, अगर 47 से ले लें, सिविलियंस कुर्बान हो गए हैं। 70 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया? न रोजगारों को रोजगार मिला, न विकास हुआ, न एससी ओबीसी को आरक्षण मिला। राष्ट्रवाद को के नाम पर हम सब एक हैं, इन शब्दों के साथ हमारा दल बहिष्कार करता है। धन्यवाद। मुस्लिम कम्युनिटी जितनी जम्मू कश्मीर में रहती है उससे कहीं ज्यादा तादाद में बाकी पूरे देश में रहती है, लेकिन उनका हक कि वो जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी बनाए, वहां पर के बाशिंदे बने, वो हक उनका अभी तक छिना हुआ था। लेकिन इसके आने के बाद इस देश के जितने भी माइनॉरिटीज के लोग होंगे, दलित होंगे, बैकवर्ड होंगे, जो देश के और कोनों में रहते हैं, जो ज्यादा संख्या में हैं, खास तौर से माइनॉरिटी मुस्लिम्स, उनका अब एक राइट मिल जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर में जा करके वहां पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वहां के बाशिंदे कहलाएंगे। और इस वजह से हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया था, हमारी पार्टी की मुखिया बहन माती निर्णय लिया कि हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। ये कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने के लिए बड़ी कुर्बानी के साथ हो, ये पहली दफा अटेम्प्ट नहीं हुई, लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। हम इस बिल से, जो माननीय गृहमंत्री जी द्वारा राज्यसभा में लाए, इस बिल से बहुत खुश है, क्योंकि लद्दाख वाले 1947-8 से चाहते थे कि लद्दाख जो है भारत का एक अटूट अंग बने। लद्दाख वाले चाहते थे कि केंद्र शासित राज्य बने। लद्दाख वाले चाहते थे कि यूनियन टेरिटरी बने। ये वजह ये है, कश्मीर से आज तक हमें जो सौतेली माँ के व्यवहार मिला, जो डिस्क्रिमिनेशन मिला, हमारा फंडिंग का डायवर्जन हुआ, हमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, और वहाँ के जो स्थानीय युवाओं को भड़का के जो रोड पे पत्थर मरने के लिए लाया, जिसकी वजह से लद्दाख के विकास में जो सफर हुआ, जो वहाँ का जो कष्ट हुआ, ये सारा प्रक्रिया को सामने रख के हम इस बिल को वेलकम करते हैं, क्योंकि लद्दाख चाहते हैं भारत का एक अभिन्न अटूट अंग बने और लद्दाख का विकास हो। ये ऐसा है, ये बहुत ही गलत हुआ है। संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, विपक्ष की आवाज़ को बुलडोज किया गया। और इस तरह से अगर कोई लोग समझते हैं कि जनता को पुलिस के बल पर दबा लेंगे, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि कहीं भी जनता को पुलिस के बल पर दबाया नहीं गया। ये कश्मीर को आज इन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग करने की व्यवस्था कर दी। मुझे तो इस बात की आशंका है। वी आर अपोजिंग इट, स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द क्रिमिनल सेक्शन इन द लॉ, सो डोंट क्रिमिनलाइज, वी डोंट वांट द मेन टू बी पुट इन जेल, सो डोंट डू दैट, सो वी अपोज्ड इट एंड नाउ वी आर वर्किंग आउट। डेमोक्रेसी कहना ही गलत है, बल्कि ये तो ऑटोक्रेसी ही कहा जा सकता है। जिस तरीके से अपनी एक आइडियोलॉजिकल बैटल को सिविलाइजेशनल बैटल में कन्वर्ट करके फाइनली उसको
एक माइथोलॉजिकल या रिलीजियस बैटल के तौर पे पेश करके बुलडोज करना अपनी एक ओपिनियन को, तो ये एक ब्लैक डे के तौर पे ही तस्वीर किया जाएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।